मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कवाल। ये पंक्तियां हमें किसके बारे में बता रही है? जी हाँ, महात्मा गांधी के बारे में। साबरमती के संत किसको कहा गया है? गांधी जी को। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसी आत्मकथा का एक अंश। आत्मकथा समझते हैं ना, जो अपने स्वयं के बारे में लिखा जाता है। तो उन्होंने कुछ बातें बताई है, जब मैं पढ़ता था, जब वो छोटे थे, पढ़ाई करते थे, तब उनके साथ कुछ ऐसी बातें हुई थी जो वो नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ भी हो, इसलिए उन्होंने हमें लिखकर बताया है। हमें इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है कि गांधी जी से क्या क्या गलती हो गई थी और हमें उसको नहीं दोहराना है, और जो काम अच्छे वो करते थे उन्हें हमें करना है। गांधी जी को हमेशा अपने आचरण की चिंता रहती थी। आचरण समझते हो? अपना व्यवहार। तो गांधी जी हमेशा ये चाहते थे कि मुझसे ऐसा कोई काम न हो जिसकी वजह से टीचर्स को, शिक्षकों को मुझे दंड देना पड़े, सजा देना पड़े। लेकिन एक बार उनको मार पड़ गई स्कूल में। अब मार खाने की तो उनको चिंता नहीं थी, कोई बात नहीं मार पड़ी, लेकिन उनको इस बात का दुख हुआ कि मुझे दंड के योग्य समझा गया। स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना बहुत लाभदायक है, इसलिए एक बार उनके मुख्य अध्यापक प्रिंसिपल ने व्यायाम अनिवार्य कर दिया। गांधी जी को खेलना कूदना व्यायाम करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनको बाद में समझ आया कि मैंने ये गलती की थी, और बाद में उन्होंने सुबह उठकर जल्दी उठकर सैर करना शुरू किया और फिर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने लगा। और चीज थी जो गांधी जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो क्या थी कि उनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो विलायत में पढ़ने गए तब उन्हें दूसरों के अक्षर देखकर ये अनुभव किया उन्होंने कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी है। अर्थात अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपकी शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। तो गांधी जी ने ये बोला कि शिक्षा में चित्रकला सीखनी बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम कोई चीजों को देखकर दिमाग में याद रह जाता है, इसी तरह से चित्र अगर हम पहले बनाना सीखेंगे तो हमारी जो राइटिंग होगी वो भी अच्छी हो जाएगी। एक और बात उन्होंने हमें बताई है कि जब वो छठी कक्षा में पढ़ते थे तो उनके संस्कृत के शिक्षक थे वो बहुत सख्त मिजाज के थे, अर्थात वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो गांधी जी उनकी क्लास में बैठते थे, लेकिन जब उनको लगा कि ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है तो उन्होंने फारसी की क्लास में बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि फारसी के जो शिक्षक थे वो बहुत नरम दिल के थे। लेकिन संस्कृत के शिक्षक को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने गांधी जी से कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए सख्ती करता हूँ, अनुशासन में रहना सिखाता हूँ, तो ये तुम्हारे भले के लिए ही है। तब गांधी जी को समझ में आ गया और उन्होंने वापस से उनकी क्लास में बैठना शुरू कर दिया। और गांधी जी ने बताया कि मैंने ये बहुत अच्छा काम किया कि मैंने वापस बैठना शुरू कर दिया, नहीं तो अगर मैं संस्कृत नहीं सीखा होता तो आज मैं संस्कृत के शास्त्रों का रस नहीं ले पाता। तो गांधी जी का कहना था कि सारे विषय जो है वो सिर्फ अंग्रेजी में सीखने का बोझ अगर हम पर नहीं हो तो हम अधिक भाषाएं सीख सकते हैं, और अगर एक भाषा को पद्धति पूर्वक, शास्त्रीय पद्धति पूर्वक अगर हमें पढ़ाया जाए या सिखाया जाए तो दूसरी भाषा सीखना आसान हो जाता है। तो व्यक्ति व्यक्ति को मातृभाषा तो सीखनी ही चाहिए, लेकिन मातृभाषा के साथ अन्य भाषाओं का भी अध्ययन करना चाहिए। अब इस पाठ को एक वीडियो के माध्यम से दोहराएंगे। जब मैं पढ़ता था, मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्य प्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे बहुत न्याय प्रिय थे। मेरी माता का नाम पुतली बाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती थी। मेरा जन्म
2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। वहाँ से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी। एक एक कक्षा पार करके मैं हाई स्कूल में आ गया। अपने आचरण की ओर मैं बहुत ध्यान देता था। यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला हो। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर तगड़ा हो गया। एक गलती की सजा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं यही जानता था कि पढ़ाई में सुंदर लेखन जरूरी नहीं है। विलायत जाने तक यह विचार बना रहा। बाद में और खास करके दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों और अन्य पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया पर पका खड़ा, कहीं चाक पर चढ़ता है। सभी मेरे उदाहरण से सबक लें और समझें कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है, इसलिए बालकों को चित्रकला पहले सिखानी चाहिए। जिस तरह पक्षियों वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचानता है, उसी तरह जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तभी अक्षर पहचानना और लिखना सीखे तो उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। मेरे संस्कृत शिक्षक बहुत कड़ी मिजाज के थे, विद्यार्थियों को अधिक सिखाने का प्रयास करते थे। मैं आज कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानता हूँ, क्योंकि जितनी संस्कृत मैं उस समय सीखा उतनी भी न सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों का रस न ले पाता। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। भाषाओं की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर ना हो तो ये भाषाएं सीखने में बहुत ही आनंद आएगा। जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है उसके लिए दूसरे का ज्ञान सुलभ हो जाता है। हमने क्या सीखा इस पाठ में? नंबर 1, सदाचार। गांधी जी की तरह हमें विनम्र रहना है, कभी घमंड नहीं करना है। नंबर 2, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए घूमना फिरना बहुत आवश्यक है, अतः घूमना फिरना, पैदल घूमना और व्यायाम करना, ये काम आप रोज करेंगे। नंबर 3, सुलेख। गांधी जी ने बताया कि जो खराब अक्षर होते हैं वो अधूरी शिक्षा की निशानी होते हैं, अतः हमें हमारी लिखावट को अच्छी बनाना है, सुंदर बनाना है और उसके लिए हमें चित्रकला सीखना है। नंबर 4, भाषा। मातृभाषा सीखना बहुत आवश्यक है, लेकिन मातृभाषा के साथ साथ हमें हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए, क्योंकि उनका भी अपना महत्व होता है। तो आप इस पाठ को 2 या 3 बार पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अभ्यास की ओर। बोलिए, पढ़िए, स्वभाव, स्वास्थ्य, अफ्रीका, अनुभव, प्रयत्न, विद्या, संस्कृत, मंद बुद्धि, मुख्याध्यापक, सिद्ध, संस्मरण, उल्लेखनीय, विद्यार्थी, शास्त्री, पद्धति, छात्रवृत्ति। बताइए, गांधी जी के पिता का स्वभाव कैसा था? गांधी जी के पिताजी सत्यप्रिय, साहसी और उदार थे। विद्यार्थी के रूप में गांधी जी का आचरण कैसा था? विद्यार्थी के रूप में गांधी जी ऐसा कोई काम नहीं करते थे जिसके लिए शिक्षक उन्हें दंड दे। ग, विद्यालय जाने तक कौन सा विचार गांधी जी के मन में बना रहा? यहाँ पर
विलायत होना था, विद्यालय छपा हुआ है। यस, विलायत जाने तक गांधी जी के मन में यह विचार बना रहा कि पढ़ाई में सुंदर लेख जरूरी नहीं है। ये विचार था उनका विलायत जाने से पहले, लेकिन जब वो विलायत गए तब उन्होंने जब बाकी लोगों के अक्षर देखे तब उनको लगा कि मुझे भी बचपन में अच्छी हैंडराइटिंग लिखना चाहिए थी। तो आप यहाँ पर ग में विद्यालय की जगह पर विलायत लिख लेंगे। सोचिए, मूल्यपरक प्रश्न, आप अपने आचरण को सुधारने के लिए गांधी जी की किन बातों को अपनाएंगे? हम गांधी जी की तरह सदा अपने आचरण को अच्छा रखेंगे और कभी घमंड नहीं करेंगे और अपने अध्यापकों का हमेशा सम्मान करेंगे। लिखिए, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, आपको नीचे वाक्य पढ़ना है और सही चुनकर लिखना है। अपने डैश की मुझे चिंता रहती थी। गांधी जी को किसकी चिंता रहती थी? आचरण की। शाबाश। खुली हवा में घूमना डैश के लिए लाभकारी होता है। खुली हवा में घूमने से क्या अच्छा रहता है? स्वास्थ्य। एक शनिवार को शाम डैश व्यायाम के लिए जाना था। एक शनिवार को कितने बजे जाना था व्यायाम के लिए? 4 बजे। डैश या छात्रवृत्ति पाने का मुझे आश्चर्य होता था। क्या पाने का? इनाम। नंबर 2, पंक्तियां पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। हमारे मुख्य अध्यापक ने ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया। मेरा मन इसमें न लगता था। खेलना अनिवार्य होने के पहले मैं कभी व्यायाम करने या क्रिकेट खेलने नहीं गया। अब मैं यह देखता हूं कि व्यायाम के प्रति मेरी अरुचि एक गलत थी। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। अब ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, यहाँ से ढूंढना है इन प्रश्नों के उत्तर। देखिए, क, मुख्याध्यापक ने क्या अनिवार्य कर दिया? ढूंढो यहाँ से। सबसे ऊपर की लाइन देखिए, मुख्याध्यापक ने व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया। लेखक को किस गलती का अनुभव हुआ? देखिए, यहाँ पर लेखक को व्यायाम के प्रति अरुचि की गलती का अनुभव हुआ, अर्थात व्यायाम करने में उनको कोई रुचि नहीं थी और ये बात गलत है, इस चीज का बाद में अनुभव हुआ। पढ़ने के साथ साथ क्या जरूरी है? पढ़ने के साथ साथ व्यायाम भी जरूरी है। पंक्तियों में आए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को चुनकर लिखिए। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, बताएं आपको? जी हाँ, दो व्यंजन जब एक साथ में लिखे जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कक्षा, ये संयुक्त कैसे हुआ? हुआ ना, क्ष। क्ष में क्या क्या है? क, श और अ मिलकर क्ष बनता है, इसलिए ये कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। छात्रों, कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। त्र, त, र और अ। मुख्याध्यापक, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आधा व और य, आधा ध और य। व्यायाम, आधा व और य। इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कृष्ण शंकर कौन थे? कृष्ण शंकर संस्कृत के शिक्षक थे। संस्कृत के शिक्षक और फारसी के शिक्षक में क्या अंतर था, बताइए? हाँ, संस्कृत के शिक्षक कड़े मिजाज के थे और फारसी के शिक्षक नरम दिल के थे। मातृभाषा के अतिरिक्त और कौन सी भाषाएं हमें जाननी चाहिए? मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी आदि भाषाएं हमें जाननी चाहिए। पेज नंबर 26 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए। पका घड़ा कहीं चाक पर चढ़ता है? आपने देखा होगा
जो कुम्हार होता है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, एक चाक रहता है, गोल पहिया रहता है, उसके ऊपर वो मिट्टी के बर्तन की शेप आकार देता रहता है। तो जब कच्ची मिट्टी होती है तो वो हम आकार बदल सकता है, लेकिन जब वो उसको पात्र को बनने के बाद पकाता है और पकने के बाद उसके ऊपर अगर मिट्टी लगाएगा तो वो नहीं लगेगी। इसी प्रकार से जब हम छोटे होते हैं तो हम कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हर चीज नहीं सीख सकते हैं। इसलिए बचपन में सारी चीजें सीख लेनी चाहिए। सच बोलने वाले को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए, अर्थात सच बोलना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन सच बोलने के साथ साथ हमें सावधानी भी रखनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को अगर हम पर विश्वास नहीं हो रहा है तो हम उसको समझा सकें कि हम सच बोल रहे हैं। समझिए व्याकरण संबोध। अ जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। विलोम शब्द तो आप अच्छे से जानते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द। रुचि अरुचि, क्षर अक्षर, सावधान असावधान, सहनी असहनी, सत्य असत्य, न्याय अन्याय। सब सारे शब्दों में आगे हमने अ लगाया है और एक नया शब्द बन गया, और वो कौन सा शब्द है? विलोम शब्द। लिंग बदलिए, ये भी आपको पता है। माता स्त्रीलिंग है तो हमें पुल्लिंग में लिखना है पिता। नवयुवक, नवयुवक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नवयुवती। मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापक का पुल्लिंग स्त्रीलिंग में दोनों एक जैसा वह शब्द रहता है, मुख्याध्यापक। शिक्षक शिक्षिका। नंबर थ्री, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं और ये अनेकार्थी कहलाते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक समान अर्थ होते हैं, वे होते हैं पर्यायवाची। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, शब्द एक ही होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी अर्थ। अनेकार्थी, अनेक अर्थ, समझ रहे? रस, रस के दो अर्थ होते हैं, आनंद भी होता है और फलों का रस भी होता है। तो यहाँ पर आपको वाक्य बनाना है, प्रेमचंद की कहानियों में बड़ा रस है, यानी प्रेमचंद की कहानियां जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। और मैंने संतरे का रस पिया, कहते हैं ना आप? यस। घड़ी, समय देखने का यंत्र और समय। घड़ी में 9 बजे हैं, अर्थात हमारी जो घड़ी है उसमें जो समय हो रहा है। और एक समय किसान की अंतिम घड़ी आ गई है, अर्थात उसका अंतिम समय आ गया है। पात्र, बर्तन और नाटक के पात्र। पात्र अर्थात बर्तन, मंदिर में दान पात्र रखा है, मंदिर में रहती ना दान पेटी। यस। नाटक के सभी पात्र अच्छे हैं, कोई भी अगर ड्रामा हो रहा है, नाटक हो रहा है, तो उसमें जो अलग अलग पात्र होते हैं, जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं जिसकी भूमिका निभाते हैं, उन्हें हम पात्र कहते हैं। नाम कहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं और नाम की जगह पर लिखे जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्यों में से सर्वनाम चुनकर लिखिए। वे राजकोट के दीवान थे। वे, मैंने पुस्तकों में पढ़ा था। मैंने, उसे संदेश मिला। उसे, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। उनका, पेज नंबर 27, रचनात्मक गतिविधि। ये तो अभी हम घर पर ही करना पड़ेगी आपको, तो गतिविधि हम घर पर करेंगे। और नीचे सीखिए शब्दार्थ, शब्दार्थ दिए हैं, इन शब्दार्थ को आपको रफ कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। और एक मुहावरा भी दिया है, मन मार कर रह जाना, अर्थात मन की इच्छा को दबाना। इस मुहावरे को भी आप लिख कर याद करेंगे। तो मुझे आशा है आपको ये पाठ समझ में आ चुका होगा, और इस पाठ में हमने जो भी सीखा है उसको हम अपने जीवन में अपनाएंगे, और अगले पाठ के लिए हम फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।